हेलो गाइस, तो कैसे हैं यार। ये वीडियो होने वाली है हमारा जो सीज़न 18 का रॉयल पास है उसके 1-200 आरपी जो रिवार्ड्स आने वाले हैं उससे रिलेटेड है, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखें। तो इस रॉयल का पास का जो है ना, सबसे पहले ट्रेलर आप देखें किस तरह का कुछ होता है। पूरा सीज़न जो है ना, जो थर्ड एनिवर्सरी है पबजी मोबाइल की, तो उससे रिलेटेड है। इसके अंदर जो है ना, आपको लेवल 1 पे जो है ना, दो लेजेंडरी आउटफिट के दरमियान चॉइस मिलने वाली है। इसके अलावा जो है ना, आपको लेवल 50 जो है उसके ऊपर दो मिथिक के दरमियान जो है ना चॉइस मिलने वाली है। जैसे सीज़न जो आपका लास्ट सीज़न था, सीज़न 17, उसके अंदर थी, तो इसमें दो आउटफिट आपको स्टॉम्पिंग बीट सेट और हेवनली कैडेंस जो सेट है ना, ये आपको चॉइस के अंदर मिलेगा। तो इसके अलावा जो है, लेवल 1 पे आपको EUG की एक स्किन भी देखने को मिल जाएगी जिसका नाम होने वाला है इलेक्ट्रॉनिका हार्ट्स EUG। तो मतलब ये भी ठीक ठाक सा मतलब इसको लुक देने की कोशिश की गई है और ऐसे मतलब कलरफुल सा इसका मतलब डिज़ाइन जो है ना बनाया गया है। तो मतलब अच्छी एक स्किन आपको देखने को मिल जाती है पेड वाला जो रॉयल पास है उसके अंदर। तो इसके अलावा बाकी जो मतलब आपको डिफरेंट इसकी मतलब एवाटार और जो मतलब आरपी बैच वगैरह वो मिलते रहते हैं। तो इसके अलावा जो है ना, लेवल आप आरपी 10 करते हैं तो आपको एक जो है ना ऑर्नामेंट मिलता है जो कि बिल्कुल एक गिटार की तरह का ऑर्नामेंट है। आपको जो इसका जो मतलब बैकपैक है उसके साथ भी लगा सकते हैं, और वैसे मतलब अगर आपके पास दूसरा बैकपैक है तो उसके साथ भी लगा सकते हैं। तो जो है ना 20 लेवल पे जो है ना, आपको नाइट इंसेंबल बैकपैक की एक स्किन देखने को मिल जाती है जो कि मतलब ठीक ठाक कलरफुल सी है, ग्रीन, इसके अलावा रेड और जो ब्लू कलर का कम्बिनेशन उसको देने की कोशिश की गई है। तो 25 के ऊपर जो है ना, आपको एक इमोट पेट जो रॉयल पास है उसके अंदर इमोट देखने को मिलता है, तो बैली ड्रम इसका नाम होने वाला है और मतलब अपने पेट पे ऐसे थपेड़े मार रहा हो जैसे, तो एक ठीक ठाक सा इमोट आपको देखने को मिल जाता है। तो चलो गाइस, 30 के ऊपर जो है ना, आपको एक तो पैराशूट की स्किन देखने को मिल जाती है जिसका नाम होने वाला है इलेक्ट्रॉनिका हार्ट्स पैराशूट, और इसके अलावा लेवल 30 के ऊपर आपको एयरप्लेन की जो फिनिश है वो भी देखने को मिल जाती है। तो ये ठीक ठाक सा यार पैराशूट, मतलब इसको ब्लू, रेड और येलो वाइट के कम्बिनेशन में बनाने की कोशिश की गई है, तो मतलब एक ठीक ठाक सा पैराशूट। तो उसके बाद जो है ना, ब्लू हारमोनी फिनिश जो है ना, ये होने वाली आपको लेवल 30 के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगी। तो ठीक ठाक सा पिंक है, और इसके ऊपर जो है ना कुछ म्यूजिक का दिशा होता है वैसे, तो मजीद आपको ढूंढ करके भी दिखा देते हैं कि जो फिनिश है आपको जो फाइनल फॉर्म है उसमें किस तरह की आपको दिखाई देगी। तो ठीक ठाक सी यार मतलब पिंक, और इसके ऊपर मतलब म्यूजिक किस तरह का जैसे होता, तो वैसे मतलब एक ठीक ठाक सा जो टेक्स्चर है इतने मतलब खास है लेकिन अच्छा मतलब एक कोशिश। तो इसके बाद जो है ना, मतलब आरपी बैच लास्ट सीज़न की तरह आने वाला है, और एवाटार भी आपको लेवल 40 के ऊपर मिल जाती हैं। बैच जो है ना, आप मतलब जो एडवेंचर आता है उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलो गाइस, ये जो है ना लेवल 50 के ऊपर जो दो आपको मतलब आउटफिट मिलते हैं वो आप चेक कर लें। तो इलेक्ट्रॉनिका हार्ट्स और नाइट डांसर आउटफिट जो है ना, दो जो है ना मिथिक आउटफिट के दरमियान जो है ना आपको चॉइस मिलने वाली है। तो अभी मैं आपको दोनों के टेक्सचर और उनकी जो वीडियो है वो दिखा देता हूँ कि दोनों में से आप कौन सा चूज़ करेंगे। ये कमेंट के अंदर जो है ना आप मुझे बता सकते हैं कि कौन सा आप चूज़ करने वाले हैं इन दो आउटफिट में से। तो भाई जो भी आप चूज़ करें तो मतलब ध्यान से चूज़ करें, क्योंकि दूसरा आउटफिट आपको नहीं मिलता, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइस उसकी आरपी एडवेंचर के अंदर रख देते हैं तो उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा मतलब होती है, लाइक 1300 आरपी जो सप्लाईज होती हैं उससे मिलता है, तो मतलब बहुत ही मुश्किल हो जाता है, नामुमकिन तो नहीं कह सकते, मतलब आपके 10-11 हज़ार यूसी लग जाते हैं मतलब उस एक मिथिक को रिडीम करने के लिए।
बाकी जो है ना आप 60 RP के ऊपर जो है ना एक स्मोक ग्रेनेड की स्किन मिल जाएगी, जिसका नाम होने वाला है हेवनली कैडेंस स्मोक ग्रेनेड। तो ये भी ठीक ठाक थी, मतलब इसके ऊपर M लगा हुआ है तो म्यूज़िक से रिलेटेड। और हाँ वैसे आपको लेवल 80 के ऊपर जो है ना एक कार 98 की एक कलरफुल सी स्किन एक देखने को मिल जाएगी, बहुत ही खूबसूरत कलर की है। मतलब जैसे हेवनली कैडेंस एक आउटफिट है जो मतलब आपको शुरू में देखने को मिलता है, तो उसी तरह के जो थीम के ऊपर जो है ना एक मतलब बहुत ही खूबसूरत सी स्किन आपको देखने को मिल जाएगी जो इसका पेड रॉयल पास है। तो इसके बाद जो है ना आपको दिखाते हैं जो आपका 85 के ऊपर जो इसका मतलब मिथिक इमोट होने वाला है, जिसका नाम है स्ट्रिंग एंसेंबल। तो ऐसे गिटार सा ऐसे जैसे बजा रहा और मतलब बहुत ही खुश होके। तो इसके साथ अगर मतलब इसके अंदर थोड़ा सा मतलब जैसे अभी आजकल मिथिक आउटफिट आ रहे हैं उसके अंदर थोड़ी सी एनिमेशन भी देते हैं, तो इसके अंदर हाथ के अंदर अगर गिटार होता तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खूबसूरत लगता। तो चलो नहीं है तो कोई बात नहीं, क्योंकि हमें जो है ना मिथिक आउटफिट देखने को मिल रहा है। तो चलो जो मतलब रॉयल पास के अंदर जो RP90 होती है तो उसके ऊपर स्ट्रिंग एंसेंबल हेड पीस इसका जो है बेसिक सा मतलब इसके अंदर ग्रीन सा कलर इसको देने की कोशिश की गई है। तो इसके अलावा जो है ना इसकी ग्लासेस जो गूगल हैं वो भी 95 के ऊपर देखने को मिल जाएगा, और 100 RP का जो आउटफिट है वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का यार जाएगा। ये देखेंगे ये जो है ना 100 RP के ऊपर आपको इस तरह का आउटफिट देखने को मिल जाता है, जो कि मतलब बहुत ही खूबसूरत इसके टेक्स्चर और जो मतलब इसके अंदर जो मतलब बहुत ही खूबसूरत कलर का इसको बनाया गया है। तो बाकी मतलब मिथिक इसके इस सीज़न के अंदर उन्होंने 2 मिथिक दिए हैं, तो मेरे ख्याल में यार ये गलत किया उन्होंने, क्योंकि इन्हें कम से कम 3 मिथिक जैसे लास्ट सीज़न में थे तो हेड पीस को एटलीस्ट मिथिक कर देते तो चलो यार मिथिक फैशन के लिए हेल्पफुल हो जाता है। तो कोई बात नहीं, बाकी जो मिथिक हैं आपको मतलब RP एडवेंचर के अंदर देखने को मिल जाएंगे, और इसके अलावा जो आपको मतलब सेकंड एनिवर्सरी जो है ना उसकी चीज़ें आपको RP क्रेट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। तो इसके अलावा जो रिडीम सेक्शन में मोस्ट प्रोबेबली आने वाली हैं उसके अंदर VSS की एक स्किन है पिंक एंड ब्लू हारमोनी VSS, और इसके अलावा जो है ना नाइट डांसर जो है वो भी आपको SLR की स्किन भी रिडीम सेक्शन में मिल जाएगी जो कि RP एडवेंचर होने वाला है। तो मतलब यार ये तो मतलब बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा एक पकी की स्किन भी आपको देखने को मिल जाएगी जो कि मतलब काफ़ी जो है ना यार कॉस्टली चीज़ें करके देते हैं। अब ये जो SLR की नाइट डांसर स्किन है मतलब इतना ख़ास नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रिडीम सेक्शन में मिलेगी, और ये ऑलमोस्ट 300-400 जो आपके मेट्रो सप्लाइज होती हैं या RP सप्लाइज होती हैं उससे मिलेगा। तो ये बगी की स्किन जो है ना एक कलरफुल सी स्किन है पिंक कलर के अंदर जो है ना मतलब ऐसे जैसे म्यूजिक की तरह ECG जो होती है ना उस तरह की आपको एक खूबसूरत सी मतलब आपको स्किन देखने को मिल जाती है। तो इसके अलावा भी आपको दिखा देते हैं इसके अंदर जो RP क्रेट होगा वो भी आपको दिखा देंगे कि RP क्रेट जो है ना वो आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो आपको सीज़न 12 और 11 की चीज़ें हैं वो देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि सेकंड एनिवर्सरी की जो चीज़ें थी उन्होंने इस क्रेट के अंदर डाली हैं। तो थर्ड और सेकेंड एनिवर्सरी की अगर चीज़ें आप रिडीम नहीं कर पाए थे तो इस सेक्शन में आप रिडीम कर पाएंगे। तो हाँ ये फ्रेंड्स फॉर एवर जो है ना ये फ्री इमोट होने वाला है मोस्ट प्रोबेबली 20 के ऊपर या फिर मतलब 25 के ऊपर फ्री इमोट भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो पेड सेक्शन है उसमें बैली ड्रम था, और इसके अलावा जो है इसका मतलब जो मिथिक इमोट है वो स्टिंग एंसेंबल इमोट होने वाला है, तो वो भी आपको दिखा देते हैं कि वो मतलब किस तरह का आपको दिखाई देगा। ये बाकी इसके गॉगल्स और जो हेड पीस और आउटफिट जो है ना ये 100 RP तक आपको जो है ना रिडीम हो जाते हैं। तो गाइज आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस रॉयल पास के अंदर कौन सी चीज़ अच्छी लगी और कौन सी ऐसी चीज़ है जो इंक्लूड करनी चाहिए थी PUBG को। तो बाकी इस मिथिक के बारे में भी बताएं कि आपको ये मिथिक कैसा लगा जो 100 RP का आउटफिट होने वाला है। तो ये इसका जो है ना इमोट होने वाला है स्टिंग एंसेंबल इमोट जो मिथिक इमोट होने वाला है इस जो आउटफिट है उसके साथ तो ठीक ठाक सा ही लग रहा है। इसके ट्रेलर में भी आपने देखा होगा कि मतलब एक खूबसूरत सा इमोट जो है ना आपको देखने को मिल जाता है।
ये चेक करें दोबारा जो है ना, ऐसे जैसे गिटार बजा रहा और सेलिब्रेट कर रहा हो जो उनकी थर्ड एनिवर्सरी आने वाली है। तो पबजी की थर्ड एनिवर्सरी के लिए मतलब एक बहुत ही अच्छा सा मतलब ऐसे गिटार और मतलब बहुत ही खुश होकर ना मतलब पूरी ऑडियंस को खुश कर रहा है। तो जो आपको परचेज बोनस के अंदर जो है ना, आपको एक बिल्कुल ब्लू कलर का पर्पलिश सा जो है ना आउटफिट देखने को मिल जाएगा, और इसके अलावा जो है ना 180 पे VSS की एक स्किन जो है ना आप परचेज कर पाएंगे। तो बाकी जो है इसके रॉयल पास के प्राइस हैं वो आप सारे देख सकते हैं कि किस तरह का मतलब आपको शो होता है। तो इसके अलावा जो है ना मतलब जो आपका RP क्रेट है उसके अंदर सीजन 12 की जो है ना एनिवर्सरी सेलिब्रेशन से रिलेटेड मतलब तकरीबन उसकी सारी चीज़ें, एयरप्लेन की फिनिश, जो गाड़ी की स्किन है वो भी, और इसके अलावा जो है ना आपको मिथिक आउटफिट हो गया और सारे मतलब टास्क की स्किन भी देखने को मिल जाती है। तो चलें गाइस, इस वीडियो में था इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।